गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे टॉपिक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, डिफरेंट सपोर्ट मटेरियल्स, इंस्ट्रूमेंटेशंस पार्ट, डिफरेंट सपोर्ट मटेरियल्स के अंदर पेपर्स सॉल्वेंट के में आपने देखा था, पिछले क्लास में यूज़ किया था बफर सोल्यूशन, कुछ फिजिकल मेथड्स डिटेक्शंस के लिए, एनालाइज करने के लिए सैंपल को, सप्रेशंस करने के लिए, विजुलाइजेशन के लिए विजुलाइजिंग एजेंट का यूज करते थे, और हमने देखा था पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में डिफरेंट कितना था इसका प्रिंसिपल प्रोसीजर और अप्लीकेशन पे हमने बात किया। आज हमारा मेन जो अपन फोकस करेंगे, देखेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल प्रोसीजर अप्लीकेशन एंड साथ में कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रिंसिपल एंड अप्लीकेशन पे अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का अपना ये टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था और फिर भी आज भी हम एक बार आपको और रिमाइंड कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसके थ्रू हम सेपरेशंस करते हैं। सेपरेशन मतलब किसका होता है, मिक्सचर का सेपरेशंस होते हैं, लाइट्स का सेपरेशंस होते हैं, कंपोनेंट्स के सेपरेशंस होते हैं, लेकिन ऐसे कंपोनेंट्स जिसके अंदर चार्ज होगा उसी का हम सेपरेशन करेंगे, क्योंकि जो हमारा ये मेन प्रिंसिपल है कि अप्लाइड ऑन द करंट एंड वोल्टेज, मीन्स अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में वोल्टेज को करंट को अप्लाई करके सेपरेशंस कर रहे हैं। तो सेपरेशन कभी होगा कि हमारे ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो चार्जेबल होंगे। अब अपन उसमें ब्लड कंपोनेंट्स हो सकते हैं, डीएनए हो सकते हैं, आरएनए हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, है ना, अमीनो एसिड्स, ये ब्लड कंपोनेंट्स मीन्स बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो चार्जेबल होगा और चार्ज पार्टिकल्स का ही हम सेपरेशन करेंगे। मतलब हम सेपरेट कर सकते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स, हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स कर सकते हैं, डीएनए के बेस पेयर्स को सेपरेट कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करते हैं। आपने देखा क्रिमिनल केसेस में ब्लड एनालिसिस को, ब्लड सैंपल को एनालिसिस करके फिंगरप्रिंट के लिए भी इसमें यूज करते हैं, आईआर में भी फिंगरप्रिंट यूज करते हैं, लेकिन कंपोनेंट्स को सेपरेशन करने के लिए चार्जेबल और नॉन चार्जेबल मत को सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं एक बार प्रिंसिपल इसीलिए रिमाइंड करा रहा था कि आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स में मूविंग होगा जो भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे, मतलब जो आपका सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में के अंदर अगर बात करेंगे कि जो भी फ्लूड्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, आपकी ब्लड डीएनए आरएनए प्रोटीन अमीनो एसिड्स, उनका सेपरेशंस करते हैं अप्लाइड ऑन द चार्ज, मीन्स उसके अंदर वोल्टेज और चार्ज के थ्रू हम सेपरेशन करते हैं। डिफरेंट प्रीवियस क्लास में हमने देखा था क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स में पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज करके हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को, प्लांट की स्टिक को, प्लांट के सेपरेशंस किया था, लेकिन अब हम क्या यूज कर रहे हैं, वहाँ पे ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड यूज कर रहे थे, एसपीटी इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे थे, अब हम वोल्टेज मीन्स करंट के थ्रू अपन सेपरेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या आगे देखें आज का मेन अपना टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए मेथड फॉर सेपरेशन एनालिसिस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स डीएनए आरएनए प्रोटीन्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में मेनली डीएनए आरएनए और प्रोटीन्स के मैक्रो मॉलिक्यूल्स को सेपरेशन करते हैं, देयर फ्रेगमेंट्स बेस्ड देयर साइज एंड चार्जेस के, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स होंगे और उनकी चार्ज। यूज द क्लिनिकल केमिस्ट्री सेपरेट प्रोटीन बाय द चार्ज साइज आईएफई एगोरोस एसेंशियल साइज इंडिपेंडेंट एंड बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टू सेपरेट मिक्सड पॉपुलेशन डीएनए एंड आरएनए फ्रेगमेंट्स बाय द लेंथ टू एस्टिमेट द साइज ऑफ डीएनए एंड आरएनए फ्रेगमेंट्स एंड सेपरेट प्रोटीन बाय चार्ज। डिफरेंट जो चार्ज हैं प्रोटीन्स के सेपरेशन, डीएनए और आरएनए के जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको हमें सेपरेशन करना है अप्लाइड ऑन द वोल्टेज को अप्लाई करना। न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल सेपरेटेड बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड्स मोर द नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर द मैट्रिक्स एगारोस अदर सब्सटेंस मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं, सपोर्टिंग मटेरियल्स यूज करके एगारोस का हम यूज करके हम सेपरेशंस करते हैं न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स का। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ जेल सपोर्टिंग मीडियम, मतलब सेपरेशन जो हमारा डीएनए और आरएनए प्रोटीन का सेपरेशंस करेंगे, लेकिन सपोर्टिंग मीडियम हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे जेल का यूज करेंगे।
यूज परफॉर्म इलेक्ट्रिकल पर्पस व्हेन यूज प्रिपरेटिव टेक्निक्स फॉर पार्शियली प्यूरिफाई मॉलिक्यूल्स प्रायर यूज फॉर द मेथड्स सच एज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पीसीआर टेक्निक जीन क्लोनिंग डीएनए सीक्वेंसिंग एंड इम्यूनोब्लॉटिंग वेस्टर्न ब्लॉट एंड सॉडर्न ब्लॉट डिफरेंट डिफरेंट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के लिए यूज करते हैं यहाँ पे हम देखेंगे This is most commonly used for electrophoresis in the biotechnology laboratories and used almost all type of experiments. ये आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक का इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ पे बात करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक्स में मॉलिक्यूल्स भी हैं जैसे शॉर्टर मॉलिक्यूल्स छोटी हो सकते हैं बिगर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं डीएनए के जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स होते हैं उनकी साइज मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं मतलब मॉलिक्यूल्स की साइज स्मॉलर और लार्जर हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग शॉर्टर मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड माइग्रेट फार्दर इन लॉन्गर होम्स बिकॉज शॉर्टर मॉलिक्यूल्स माइग्रेट्स मोर इजली थ्रू द पोर्स ऑफ द सेल्स के थ्रू में जो शॉर्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं इजली मूवमेंट करते हैं छोटे छोटे दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द सीबी उसको हम क्या बोलते हैं सीबी एक मेथड्स जिसके थ्रू छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इजली होता है आप यहाँ पे देखेंगे एक इंस्ट्रूमेंट से यहाँ पे ये चिल इलेक्ट्रोफोरेसिस इंस्ट्रूमेंट की टाइप ये डिफरेंट डिफरेंट हमने अपन डायग्राम्स पहले आपको प्रूव कर देते हैं ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे डीएनए लिए हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अब ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर बफर सोल्यूशन को हम फिल कर रहे हैं ठीक है बफर सोल्यूशन को फिल करने के बाद इसको प्लेट से कवर कर देंगे और उसके बाद इसको इलेक्ट्रोड को हम वोल्टेज पे अप्लाई कर देंगे यहाँ पे देखेंगे ये है हाफ इसका रिमेनिंग पार्ट जेल लगाने के बाद इसको हमने दोनों तरफ के वो ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट्स के हैं टेप्स हैं है ना ये इसको अपन अटैच कर दिए अब दोनों वायर को अटैच कर देंगे वहाँ पे ये एमिटर्स यहाँ पे हमको वोल्टेज दिखेगा इनिशियल वोल्टेज हमारा जीरो था और जैसे जैसे हमने वोल्टेज अप्लाई किया कितना 60 वोल्टेज 30 वोल्टेज 50 वोल्टेज अप्लाई करने के बाद यहाँ पर चालू करें उसके बाद हमें सैंपल को एनालाइज करने के इंसर्ट करने के लिए माइक्रो पिपेट का यूज़ करेंगे आप देखेंगे माइक्रो पिपेट्स है इस माइक्रो पिपेट से सोल्यूशन को हमने लिया ये सोल्यूशन है और ये जो हमारी अगर वो जेल प्लेट में है ठीक है जेल की प्लेट्स में हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया इंसर्ट करने के बाद देखिए इनसाइड पे प्लेट्स है अब आपने यहाँ पे सेपरेशन वोल्टेज हमारा नेसल जीरो है और हमने वोल्टेज इसको अप्लाई कर दिया तो 60 कर दिया जैसे 60 वोल्टेज करेंगे तो हीट होने लगेगा अगर यहाँ पे पानी है मतलब बफर सोल्यूशन है वो कन्वर्ट होगा वेपर्स में कन्वर्ट ये देखेंगे पानी को वेपर्स में कन्वर्ट होता जा रहा है यहाँ पे देखेंगे हीट होकर के ये इवॉल्व होगा ये आपका प्रोसेस है तो सबसे पहले यहाँ डीएनए सैंपल डीएनए पैनल पे एक्सट्रैक्शंस करेंगे रिएक्शंस करेंगे पॉलीमर चैन रिएक्शन के पीसीआर लेवल्ड प्राइमर्स को लेवल्ड अनलेवल्ड करते हैं आप जैसे एंटीजन एंटीबॉडी के अंदर देखेंगे कुछ एंटीजन लेवल्ड नॉन लेवल्ड होते हैं इस तरह से एक्सट्रैक्शन करेंगे एक्सट्रैक्ट करने के बाद पॉलीमर चैन रिएक्शन लेवल यहाँ पे रिक्वेस्ट है इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड्स का यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड्स यूज से हमारे मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो जाएंगे सेपरेट मॉलिक्यूल्स को हम विजुलाइजेशन करेंगे विजुलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे एंड देन उसकी ये डिफरेंट के डिफरेंट डिफरेंट जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स रहते हैं उनका अलग अलग जो कंपोनेंट्स होंगे उसको हम क्या करते हैं इसकी पीक्स हो करते हैं ये पीक्स हो सकती है या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैंड भी हो सकते हैं बैंड मतलब कलर Proteins are separated by the charge in agarose because pores of the gel too small C protein. Gel electrophoresis also used for the separation of the nanoparticles. बहुत जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं सेपरेशन से डिपॉन पे अब यहाँ पे इसका ये आउटर पार्ट है जो अपन ने प्रीवियस स्लाइड में देखा यहाँ पे सिंपल को इसमें हमने देखा ये लोडिंग कर रहे हैं ये देखा होगा इस पर ये माइक्रोपिपेट्स से पेपर्स हमने लोडिंग किया अब अपना देखे सैंपल यहाँ पे लोड हो गया लोड होने के बाद एनोड और कैथोड से हमने वोल्टेज सप्लाई किया डायरेक्शन एनायंस माइग्रेट्स अब प्रोटीन मिक्सचर्स यहाँ पे पोरस जेल और यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस अब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू आप यहाँ पे देखें यहाँ पे देख ऊपर साइड में देख रहे हैं प्रोटीन के मिक्सचर्स हैं और प्रोटीन के मिक्सचर्स में आफ्टर द इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद ये मिक्सचर्स हमारे तीनों कंपोनेंट्स डिफरेंट डिफरेंट भैया ये देखिए ब्लू कलर्स हैं ये हमारा ये लोअर पार्ट है या तो अपने ओरिएंटेड ऊपर वाले में आ गया है ये बीच में हमारा सेपरेट हो गया ग्रीनिश कलर और रेड के जो छोटे छोटे डॉट्स जो हैं ये इस तरह से हमारा प्रोटीन मिक्सचर सेपरेट हो जाता है तीनों अंदर यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशंस क्या है
सीरम एनालिसिस का डायग्नोस्टिक पर्पज कैरिड आउट द जैसे पेट्रोलिट ये अपना उसका पेपर था ये यहाँ पे इसका आगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो हम जनरली सपोर्टिंग मटेरियल्स यूज कर रहे हैं एगारो जेल और पॉलीक्रोमाइड जेल्स का यूज करते हैं। एगारो जेल और पॉलीक्रोमाइड जेल्स को जनरली यूज करते हैं। सबसे पहला है हमारा एगारो जेल, ए हाईली प्योरीफाइड अनचार्ज पॉलीसैक्राइड डिराइव फ्रॉम द अगार से। एगारो जेल को हम अगार से लेते हैं, हाईली प्योरीफाइड अनचार्ज पॉलीसैक्राइड डिराइव है। अगर चार्ज होगा तो आपका सपोर्टिंग मटेरियल में अगर ये यूज करेंगे तो इसका भी माइग्रेशन हो जाएगा, तो आपका जो सल्यूट होगा सैंपल होगा उसका माइग्रेशन होगा। ये कैसे पार्ट होने चाहिए, जो जेल्स यूज करेंगे नॉन चार्जेबल मतलब अनचार्ज होंगे, यूज सेपरेट मैक्रो मॉलिक्यूल्स सच एज न्यूक्लिक एसिड लार्ज प्रोटीन्स एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। जनरली हम एगारो जेल का यूज करेंगे जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे न्यूक्लिक एसिड के, लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे प्रोटीन्स के एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। सेकंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्विंग 0.5% एगारोज इन बॉइलिंग वाटर्स एंड अलाउड टू कूल फॉर। अब अपन इसको लिए पहले 0.5% बॉइलिंग वाटर में इसको क्या करेंगे 40 डिग्री में पहले बॉइलिंग वाटर में डालेंगे और बॉयल वाटर में मतलब बॉयल वाटर कब होगा 100 डिग्री सी या 95 डिग्री सी टेम्परेचर होगा, देन उसको कूल करेंगे। कूल करेंगे थोड़ा सा स्वेल होगा तो अलाउड टू कूल टू 40 डिग्री सी को ठंडा करेगा। इट इज ए फेजेबल बिकॉज इट फॉर्मेशन ऑफ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड मतलब आपका जो जेल होगा उसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स होनी मतलब एक प्रकार की लेयर टाइप्स का बन जाएगा, सोल होकर के थोड़ा सा फेजाइल हो जाएगा। सेकेंड है पॉलीक्रोमाइड जेल्स कमली यूज द कम्पोनेंट्स एक्राइलेमाइड मेनोमर्स अमोनियम परसल्फेट टेट्रामिथाइल लीन डायमीन्स TEMAD और NN डाइमिथाइलिन डाई बाई स्कार्बोलमाइड्स इसका मिक्सचर्स है यह मतलब ये दोनों के मिक्सचर्स से बने होते हैं। कामली कंपोनेंट्स होता है जो इसके अंदर पॉलीक्रोमाइड में टेट्रामिथाइल मोनोमर में अमोनियम परसल्फेट एंड टेट्रामिथाइलिन डायमीन एंड NN मिथाइलिन लीन बाई स्कार्बोलमाइड्स इसका कंपोजिशन है। दीज आर थियोरेटिकल एक्टिव एक्राइलेमाइड मोनोमर्स इंक्लूड देम दे रिएक्ट विद अदर एक्राइलेमाइड मोनोमर्स फॉर्मिंग ए लॉन्ग चेन, इसके अंदर चेन होती है चेन की फॉर्मेशन लंबी चेन होती है। थियोरेटिकल यूज टू सेपरेट मोस्ट प्रोटीन एंड स्मॉल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स बिकॉज इसका प्रेजेंस ऑफ स्मॉल इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इस पोर्स के थ्रू ये सेपरेट करते हैं जर्निंग जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर से जो डिफरेंट डिफरेंट पोर्स होते हैं इसका सपोर्टिंग मटेरियल में, तो जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके सेपरेशन में उसके पोर्स में जाकर के ये सेपरेट होते हैं। यहाँ पे एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की कुछ डायग्राम है, ठीक है ये देखिए जैसे डबल स्ट्रैंड लंबा DNA है कट विथ इक्वल कटिंग हुआ है, उसके बाद DNA के साइज है इस तरह से करते हैं डायरेक्शन माइग्रेट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे है DNA एनालिसिस यूज इन रिस्ट्रिक्टेड न्यूक्लियस डाइजेस्ट DNA विथ रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम कट DNA इन स्पेसिफिक साइज सेपरेट DNA बाय साइज ऑन द एगारो जेल्स एंड स्टेन DNA विथ इथिडियम ब्रोमाइड्स एंड विजुलाइज बाई UV। तो आप देखेंगे इस तरह से सेपरेटेड हो सकता है, उसको बाद इसमें UV लाइट्स ऐसे डालते हैं UV लाइट्स में विजुलाइज हो जाता है तो पार्ट सेपरेट हो जाता है। यहाँ पे जैसे हमने देखा है कि इकोरिक कट सेट GATC है ना यूनोसिन एडिनिन थायोसिन थायोसिन और साइटोसिन है ना हिंडाइल स्कल्प में यहाँ पे अपन ने क्या देखा एडेनिन एडेनिन यूनोसिन साइटोसिन और थायमिन थायमिन ये तरह से इक्वल है दोनों प्रकार से कटिंग होती है कट विथ इको एराई एंड कट विथ द हिन आई ये कटिंग मतलब DNA का कटिंग कैसे करते हैं उसका है ना उसके बाद उसका सेपरेशन करते हैं। जब सेपरेशन होता था डिफरेंट डिफरेंट के बैंड्स भी शो होते हैं आप देखते हैं इस तरह से बैंड्स हो सकते हैं ये कुछ नंबरिंग है अलग अलग नंबरिंग करके इस तरह से यूवी लाइट्स के अंदर विजुलाइजेशन होता है दिखाई देता है। DNA टू सैंपल DNA मॉलिक्यूल्स हियर टू लैडर किट एंड सी DNA के स्टेन पीस के अंदर इस तरह से उनके बैंड्स शो करते हैं दिखाई देते हैं।
अब अपन एगरोल जेल जनरली यूज करते हैं उसके लिए वेना पोटेंट। अब इसके अंदर क्या प्रिंसिपल रहेगा, वेन आर पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड ऑन द हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोड टैंक कंटेन एगरोल जेल्स एंड बायो मॉलिक्यूल सच एज न्यूक्लिक एसिड। मतलब आपन ने एगरोल जेल लिया सपोर्टिंग मटेरियल्स के लिए, मतलब नॉन चार्जेबल मटेरियल्स हैं एगरोल जेल्स हैं। अब अपन ने उसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे और बायोमोलिक्यूल्स हम क्या लेंगे, सपोज सचेज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड को उसके अंदर लोड करेंगे। लोड करेंगे कैसा देखा था नहीं, मतलब माइक्रोपीपर से सोल्यूशंस लेंगे उसके अंदर डाल देंगे, देन दे गेट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिकुलर साइज। अब अपन सेपरेशन कर रहे हैं, अभी देखा होगा तो उसके अंदर फिर बोर साइज है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं या माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स, अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर साइज बिगर मॉलिक्यूल्स हैं मोर मॉलिक्यूल साइज एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं भी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स टू मूव देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। अब हम पर देखेंगे कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे मॉलिकुलर साइज मोर मॉलिकुलर साइज एंड स्मॉलर मॉलिकुलर साइज है मॉलिकुलर मूव देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरह मूवमेंट करेंगे कैथोड और एनोड की तरह। हियर द एगरोल जेल एक्ट्स एज ए सीथ, एगरोल यहाँ पर जेल किस तरह कर रहा है सीथ की तरह है, मतलब उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होंगे। अब पोर्स के थ्रू क्या होंगे, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पोर्स के ऊपर चले जाएंगे, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे सीथ के अंदर पोर्स के थ्रू अंदर चलेंगे। द सीथ द लार्ज पार्टिकल्स अबव द पार्टिकल्स विच आर स्मॉलर देन पोर साइज पास थ्रू एंड सिमिलर टू जेल लार्ज एंड बल्की मॉलिक्यूल्स स्टे बिहाइंड देयर इज स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड क्विकली टूवर्ड्स द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड मोमेंट। दिस प्रोसेस में बी इमेजिनेटेड लाइक रनिंग कंपटीशन एंड हु इज द थिनर एंड हैव फ्लेक्सिबल बॉडी विल बी एट एंडेड पॉइंट सूनर देन ओनली द फैट एंड बल्की। अब आप इस तरह से बल्कि ग्रुप्स जो हैं बिगर मॉलिक्यूल्स हैं और माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो फास्टली क्या होते हैं माइग्रेट करके अंदर से सीबिंग के थ्रू अंदर पहुंचाएंगे एक ने दूसरे एंड पे, और जो हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं या वीक या फैटी मॉलिक्यूल्स हैं एक साइड पर सेपरेशन। इस तरह से हमारा एक प्रकार का ये सेपरेशन टेक्निक्स है। अब अभी नॉर्मल जो टेक्निक्स होती थी उसमें हमें क्या होता था TLC के थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी को सेपरेशन नहीं होता, तो वहाँ पर सिर्फ कंपोनेंट्स का ही सेपरेशन हो जाता, मतलब प्लांट एक्सट्रैक्ट हो गया या सिंथेसाइज मॉलिक्यूल्स, लेकिन जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं प्रोटीन्स हैं विटामिन हैं प्रोटीन्स हैं DNA RNA हैं ठीक है उनका सेपरेशन न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसके थ्रू करते हैं। कुछ एप्लीकेशंस हैं हमारे जनरली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के, सेपरेशन ऑफ रेस्ट्रिक एसिड एंजाइम डाइजेस्टेड DNA इंक्लूडिंग जीनोमिक DNA प्रायर टू द जैसे सॉर्टिंग ब्लॉड नॉर्थन ब्लॉड और सॉर्टिंग ब्लॉड टेस्ट करते हैं प्रायर टू द सॉर्टिंग ब्लॉड ट्रांसफर। इट इज ऑफन यूज फॉर द सेपरेट RNA प्रायर टू नॉर्थन ट्रांसफर, मीन्स आपका DNA और RNA के लिए सेपरेशन। अब जैसे साफ PCR टेक्निक प्रोड्यूस पॉलीमर चैन रिएक्शन में जो होते हैं पॉलीमर चैन रिएक्शन टू एसेस टारगेट DNA एम्प्लीफिकेशन के लिए, अलाउ द एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स यूजिंग DNA मेकर्स एंड लेडर्स विद कंटेंट DNA फ्रेगमेंट्स एंड वेरियस साइज, अलाउ द रफ एस्टिमेशन ऑफ DNA की क्वान्टिटी एंड क्वालिटी के रफ एस्टिमेशन भी मिल जाता है। क्वान्टिटी इज एसेस्ड यूजिंग द लैम्डा DNA लेडर्स एंड कंटेंट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ DNA इन द डिफरेंट स्ट्रैंड्स डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैंड्स का सेपरेशन का मतलब मीन्स है कि जो डिफरेंट प्रोसेस करते हैं आज अपन जो टेक्निक्स यूज करते हैं नॉर्थन ब्लॉट सॉथन ब्लॉट टेस्ट करते हैं DNA के लिए उसमें के हम इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में इजिली सेपरेट करके उसमें इजिली आप कर सकते हैं। अदर टेक्निक्स यूज द अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस DNA सेपरेशन इंक्लूडिंग DNA फ्रेगमेंट फिंगर प्रिंटिंग में ठीक है। क्वालिटी ऑफ DNA एसेस बाय द ऑब्जर्व द एब्सेंस ऑफ स्ट्रैकिंग एंड फ्रेगमेंट्स कंटेमिनेटिंग DNA बैंड्स में, तो आप पूरा मींस यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स DNA RNA के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कुछ हैं हमारे कर लोगे, एडवांटेज आर द जेल इजली कोड, एडवांटेज क्या है अपने देखा इजली को उसको कोड कर देंगे उसमें डाल देंगे एंड डज नॉट डीनेचर द सैंपल, डीनेचर नहीं होता सैंपल कैन बी आल्सो बी रिकवर्ड, और सैंपल फिर से आप उसमें रिकवर्ड कर सकते हैं निकाल सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, गेट कैन मेल्ट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान मेल्ट हो जाएगा, द बफर कैन बिकम एग्जॉस्टेड एंड डिफरेंट फ्रॉम जेनेटिक मटेरियल्स विल बी रन इन द अनप्रेडिक्टेबल फॉर्म्स ठीक है। कुछ अगर मेल्ट हो जाएगा आपका मटेरियल जैसे हम टेम्परेचर्स करेंगे हीट करते हैं कुछ वोल्टेज देंगे है ना, वोल्टेज देने पर क्या होता है टेम्परेचर के थ्रू
हेल्प होंगी, ये सारी चीज़ें। तो अपन सोल्यूशन उसके अंदर बफर सोल्यूशन यूज करते हैं, बफर सोल्यूशन गर्म हो चुका है, चार्ज अप्लाई करते हैं, चार्ज में से उससे माइग्रेशन होने लगता है, माइग्रेट करते हैं तो जो अपन सैंपल लोड किए होते हैं वो अपन सेपरेट होते हैं, देन जस्ट दे डिफरेंट फ्रॉम जेनेटिक मटेरियल मे बी रन इन अनप्रेडिक्टेबल। ये आपका रिस्पॉन्स। सेकेंड है हमारा कैपलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैपलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में अपन समझते हो कि कैपलरी मतलब एक ट्यूब्स होती है पतली सी, उस पतली ट्यूब के थ्रू हम किस तरह से सेपरेशन करते हैं मॉलिक्यूल्स का। इलेक्ट्रोफोरेसिस द डिफरेंट मूवमेंट्स आर माइग्रेशन आर फाइंड बाई अट्रैक्शन आर रिपल्सन इन इलेक्ट्रिक। डिफरेंट मूवमेंट्स आर माइग्रेशन आर फाइंड जो अपना इलेक्ट्रोफोरेसिस अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अपन ने देखा है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, करंट अप्लाई कर रहे हैं। वोल्टेज करंट आप अप्लाई करेंगे मींस आपका जो सॉल्यूशंस होगा जो भी फ्लूड्स होंगे उसका सेपरेशन होगा कैटायन और एनायन, मतलब वो पार्टिकल्स चार्जेबल पार्टिकल्स होंगे तो उनका सेपरेट होगा। जब सेपरेट होते हैं तो आयन्स को क्या होते हैं माइग्रेट करते हैं कैथोड की ओर और एनोड की, दोनों तरफ से हमारे जो सॉल्यूट होगा माइग्रेट करेगा। मतलब जैसे भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे अगर वो कैटायन्स और एनायन फॉर्म में है तो मूवमेंट्स करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट मूवमेंट्स एंड माइग्रेशन ऑफ आयन बाय द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रिक। अट्रैक्ट भी करेंगे जैसे अपन ने मैग्नेट यूज करते हैं तो मैग्नेट का साउथ और नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ एक दूसरे को रिपल करता है उसी प्रकार। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। बात कर रहे थे मैग्नेट में अगर नॉर्थ नॉर्थ पोल होते हैं और साउथ साउथ पोल दोनों रिपल्सन करते हैं, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्शन, उसी प्रकार सेम यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं और आपका जो सॉल्यूशंस है उस पर भी सेम ही ना है। मतलब अगर पॉजिटिव आयन है निगेटिव आयन है, निगेटिव आयन से पॉजिटिव आयन मतलब चार्जेबल कैटायंस और एनायंस का यहाँ पे सेम रूल होता है। तो आप देख सकते हैं कि एनोड्स और कैथोड्स में जो भी पॉजिटिव आयन है कैथोड की तरफ मूवमेंट करने हैं और निगेटिव आयन एनोड्स की ओर, लेकिन इनका जो चार्ज होगा जस्ट अपोजिट होगा। देखिए एनोड की तरफ कैसा रहेगा पॉजिटिव आयन्स और कैथोड की तरफ कैसा होगा निगेटिव। तो जब निगेटिव आयन कैथोड है तो पॉजिटिव आयन कहाँ रहेंगे कैथोड की ओर और निगेटिव आयन्स कहाँ जाते हैं एनोड की ओर। ये सिर्फ फिनोमिना होता है इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स की, मतलब जो भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं किधर अट्रैक्शन करेंगे और किस साइड में रिपल्सन करेंगे। तो बेसिक डिजाइन ऑफ स्टूडेंट्स में आप देखेंगे सिंपल एनोड्स हैं और कैथोड। अब आपको पता है कि हमने बार बार बोला कि जो सोल्यूशन यूज करते हैं जनरली बफर सोल्यूशन लेंगे। सपोर्टिंग मटेरियल्स में कभी हम पेपर यूज कर रहे हैं कभी जेल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम कैपलरी का यूज करेंगे है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये आपका सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से ये आपका एक सिंपल डायग्राम था। ये इस कल्टिविटी इसमें डिटेक्टर्स यूज करेंगे। अब आप देखते हैं बफर सोल्यूशन है तो आयंस हमारे माइनस एक तरफ सेपरेट हो रहे हैं एनोड की तरफ और पॉजिटिव आयंस हमारे कैथोड की तरफ। उसके बाद जब इनका सेपरेशन होगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे जाते हैं, मतलब आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा आप जिस सैंपल को एनालाइज करना सेपरेशन करने के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक दूसरा डायग्राम से यूज फॉर द साइज एंड शेप सेपरेशन सेपरेशन बेस्ड ऑन द डिफरेंट इन सॉल्यूट साइज। देखिए देखिए यूज फॉर साइज एंड शेप, यहाँ पे भी यूज करते साइज कितना छोटा है बड़ा है मतलब माइक्रो है सेपरेशन बोर्ड डिफरेंट इन सॉल्यूट की साइज है ना। डिटेक्शन बाई यूवी एब्जॉर्बेंस एंड क्रोमोफोर डीएनसिंग एंड कोटिंग एनालिसिस करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कैपिलरी की इसके अंदर है जेल का मैट्रिक्स विथ डाइस यूज किए हैं, न्यूक्लिक एसिड विथ डाइस, नेगेटिव चार्ज एंड ये आपका डायग्राम से इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब आगे हम देख करते हैं इसके प्रिंसिपल में और बताएंगे। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस इज फॉर्मली इलेक्ट्रोकाइनेटिक सेपरेशन मेथड परफॉर्म इन द सब मिलीमीटर डायमीटर कैपिलरीज एंड माइक्रो एंड नैनो फ्लूइड चैनल्स। कैपिलरी मीन्स नैनो फ्लूइड चैनल, मतलब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के भी सॉल्यूशंस को भी
बिल्कुल सेपरेट करता है डायमीटर, क्योंकि कैपिलरी यूज करते हैं तो कैपिलरी की बहुत कम मिनिमम डायमीटर्स होगी, बिल्कुल थिकनेस होगी, ठीक है। तो सब मिलीमीटर डायमीटर्स भी होता है इसका मतलब, है ना। एंड माइक्रो एंड डायमीटर चैनल्स होते हैं, मतलब इतनी छोटी होती है, मतलब आपका जो सैंपल होता है मिनिमम क्वान्टिटी के सैंपल को भी सेपरेट कर सकते हैं। कैपिलरी आप नैरो बोर ट्यूब्स एम्प्लॉयड सेपरेट सैंपल बेस्ड ऑन देयर साइज चार्ज टिश्यू। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस रिलेटेड न्यू सेपरेशन टेक्निक कंपेयर टू द ट्रेडिशनल टेक्निक सच एज एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एस टी एस पी। इट प्रोवाइड वेरी अट्रैक्टिव फीचर्स विच मेक बोथ कंपेटिटिव एंड गुड अल्टरनेट। ये आपका डायग्राम्स। वन द मेजर एडवांटेज ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस द सेपरेशन टेक्निक इज एबिलिटी टू सेपरेट बोथ चार्ज एंड नॉन चार्ज मॉलिक्यूल्स। अभी तो हम बात कर रहे थे कि चार्जेबल पार्टिकल्स होगा उसको सेपरेशन कर रहे थे, है ना, अप्लाइड कर रहे थे वोल्टेज फ्रेम, यहाँ पे नॉन चार्जेबल मॉलिक्यूल्स को भी। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन एनालाइज एंड परफॉर्म द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, है ना, बैकग्राउंड जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा जिसका हमें सेपरेशन करेगा। प्रेजेंट इन नैरो फ्यूज सिलिका कैपिलरी, एक नैरो पतली सी सिलिका की कैपिलरीज होगी उसके अंदर प्रेजेंट है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कैपिलरीज ट्यूब से बफर रिंग का रिजर्वायर था, दोनों साइड में बफर के हमने रिजर्वायर रखा है सैंपल सोल्यूशन से, यहाँ पे कैपिलरीज सेट यूज करेंगे। देखें दूसरे में, देखिए दूसरे डायग्राम्स में सैंपल है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर डीप हैं, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं दोनों साइड में, ये दोनों प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं। इस इलेक्ट्रोड्स के अंदर से हमारा 30 केवी का डीसी पावर करंट आप सप्लाई कर रहे हैं, ये हमारा डाटा सिस्टम है और कंट्रोल, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन नीडेड फॉर कंप्लीट इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेसिस आपने देखा फिगर में, कंपोनेंट्स कैपिलरी इलेक्ट्रोड्स हाई वोल्टेज का पावर सप्लाई कर रहे हैं, डिटेक्टर्स यूज कर रहे हैं, आउटपुट्स एनलिंग डिवाइस, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट हमने देखा, हम एक्वस सॉल्यूशन में बफर सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस कैपिलरी प्रेशर स्टिफनिंग्स एंड इलेक्ट्रोफोनेटिकली कैपिलरी यूज कर रहे हैं, देन रिटर्न टू द सोर्स ऑफ वायर्स यूज कर रहे हैं, माइग्रेट ऑफ एनालाइट इनिशिएट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अप्लाइड बिटवीन सोर्स एंड वायर्स एंड सप्लाइड द इलेक्ट्रिक बाय द हाई वोल्टेज पावर सप्लाई। एनालाइट सेपरेट दे माइग्रेट टू देयर इलेक्ट्रोफोरेटिंग मॉड्यूल नियर आउटलोन ऑफ द कैपिलरी। द आउटपुट डिटेक्टर, अब डिटेक्टर्स भी यूज कर रहे हैं, हैंडलिंग कर रहे हैं डिटेक्टर में, आउटपुट डिटेक्टर्स एंड डाटा आउटपुट हैंडलिंग डिवाइस सच एज इंटीग्रेटर और कंप्यूटर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कैपिलरी ट्यूब्स में क्या यूज कर रहे हैं, डिटेक्टर्स, और डिटेक्टर जो भी डिटेक्ट करेगा उसको हमको इंटीग्रेटर्स या कंप्यूटर पर देगा, एक प्रकार का सिग्नल पड़ता है, मतलब आपका जो भी जिस तरह हम यूवी विजुअल वहाँ पे डिटेक्टर्स का डिटेक्टर है पीक्स देखते थे या तो जो बैंड्स फॉर्मेशन करते थे, यहाँ पे डिटेक्टर्स का यूज करेंगे, डिटेक्टर डिटेक्ट करके कंप्यूटर में देखें। सेपरेट केमिकल कंपोनेंट अपीयर्स पी, अब जो भी कंपोनेंट का सेपरेशन होगा वो एक प्रकार का पीक देगा, पीक हमारा कंप्यूटर या रिकॉर्डर में शो होगा, डिफरेंट अटेंशन टाइम एंड लेबर होगा। ये आपका इंसकैपिलरी इमर्स इन द वायर्स प्रोसीजर है। फिटेड द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन आल्सो कंटेन इलेक्ट्रोड्स, कनेक्टेड द हाई वोल्टेज सप्लाई, वोल्टेज ने सप्लाई किया सोल्यूशन इन रिड्यूस द कैपिलरी एज द प्लग बाय अप्लाइंग द कंप्रेसर, हाइड्रोडायनेमिक इंजेक्शन का यूज करते हैं, वोल्टेज सप्लाई करेंगे विद इन द एप्लीकेशन, हाई वोल्टेज 5-30 किलोमीटर वोल्ट अप्लाई करेंगे, वोल्टेज क्रॉस द 30 जूल्स एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी आयनिक रेजिस्टेंस माइग्रेट टुवर्ड्स द आउटलेट साइड ऑफ द कैपिलरी, दैट डिफरेंट आयन कैन बी सेपरेटेड देयर साइज एंड द रेशियो बिफोर द रीचिंग इन सब कैपिलरी सेपरेट इन अ लाइट बैंड डिटेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द कैपिलरी पॉजिटिव डिटेक्शन। इस तरह से है ऑस्मोटिक, जो इलेक्ट्रोस्मोटिक फ्लो की बात कर रहे थे उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उसके अंदर कैटायंस और एनायंस होंगे, बल्क सोल्यूशन है, डिफ्यूज ये लेयर्स हैं। आपने देखा होगा कि कैपिलरी का सरफेस है, इसके अंदर क्या होगा, सरफेस के अंदर माइग्रेशन हो रही है, देखो पॉजिटिव निगेटिव पैटर्न, ये फिक्स्ड लेयर है, एक साइड में हमारा एनोड है, दूसरी साइड में हमारा इलेक्ट्रोड्स है, यहाँ पे ग्रुप है सी एस सिलिकॉन आयन सिलिकॉन सरफेस, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, आपने देखा पोल पोल डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इस तरह से आपका। तो यहाँ पे यूज़ करें जैसे आप सपोज फ्यूज सिलिका कैपिलरी यूज़ कर रहे हैं, इनर डायमीटर कितना होगी 10-100 माइक्रोन्स और लेंथ इनकी 40-100 सेंटीमीटर की, जो कैपिलरी ट्यूब्स यूज करेंगे उसका। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर डेथ प्रोटीन्स, है ना,
पेप्टाइड्स, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए को यूज करते हैं। इनऑर्गेनिक आयंस के लिए ऑर्गेनिक बेसिस, ऑर्गेनिक एसिड एंड पोलसेस, ये हमारा वैल्यू यूजफुल सरफेस में। एडवांटेज का है हाई सरफेस एफिशिएंसी है, शॉर्ट एनालिसिस टाइम है, लो सैंपल एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसप्शन होते हैं, सैंपल का लो कंसप्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम यूज होते हैं, वेस्टेज कम है, बहुत ही कम है, लो वेस्टेज जनरेशन है, इजी हैंडलिंग कर लेते हैं, अभी ऑपरेशनल टेक्निक। डिसएडवांटेज ड्यू टू द स्मॉल डायमीटर, इसका पतली से ट्यूब्स होती है, डायमीटर्स होती है 32, हीट एंड स्पीकेटेड कॉज बाय इंक्रीज डिफ्यूजन हो जाता है ना, ड्यू टू द रिजोल्यूशन नॉट ऑलवेज प्रॉपर, रिजोल्यूशन पावर कम होता है ना। अप्लीकेशन क्या है, यूज कम फॉलोइंग एनालिसिस, फूड में, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। कैटलिटिक इलेक्ट्रोफॉरेसिस भी आल्सो यूज था, साइमल्टेनियस डिटरमिनेशन ऑफ द आयन, जैसे अमोनियम आयन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन इन सलाइवा के में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो आयन होते हैं जिसको डिटरमिनेशन हम कैटलिटिक इलेक्ट्रोफॉरेसिस के थ्रू कर सकते हैं। मेन एप्लीकेशन है फॉरेंसिक साइंस में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स है, डेवलप मेथड्स, एम्प्लीफिकेशन डिटेक्शन, डीएनए फ्रेगमेंट्स के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बीस एंड रैपिड ट्रीटमेंट एडवांटेज इन द फॉरेंसिक। ये देखिए फॉरेंसिक साइंस के अंदर जो मर्डर्स केसेज जुडिशली में यूज करते हैं, तो आप देखोगे ब्लड है, किसी का मर्डर होता है तो ब्लड को लेते हैं, तो ये कहते हैं क्राइम साइंस में सस्पेक्टेड है या अनसस्पेक्टेड, किसके ब्लड है, कौन मर्डर करने गया है, ये सारी चीज़ का डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं। मतलब फॉरेंसिक साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स है हमारा कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस तरह से हमने यहाँ देखा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रिंसिपल प्रोसीजर, इंस्ट्रूमेंटेशन है, डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशंस क्या क्या।